नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 सितंबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश की कैबिनेट में 46 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर। प्रदेश के गांव के सभी वार्ड में लगेगा सोलर स्ट्रीट लाइट। 14 सितंबर से पहले अपडेट करवा ले अपना आधार कार्ड। बिहार का इकलौता वन्य प्राणी इको पार्क बनकर हुआ तैयार। बिहार में भूमि सर्वेक्षण पर लगेगी रोक, भू व राजस्व मंत्री ने किया स्पष्ट। मोहम्मद समी के इस पोस्ट पर इरफान पठान का रिएक्शन आया सामने। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्टेनोग्राफर के पदों पर निकाली भर्ती। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने झारखंड सचिवालय में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 454 पदों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष डिग्री हासिल की हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन स्किल टेस्ट और लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। सीएम नीतीश की कैबिनेट में 46 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में हुई। इस बैठक के दौरान कुल 46 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। इसके तहत कारा निदेशालय में 10 कार्यालय परिचारियों के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति। बिहार के 6421 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 6421 सहायक के पद सृजित। बिहार पर्यटन ब्रांडिंग और मार्केटिंग नीति 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति। पर्यटकों की सुविधा के लिए पीपीपी मोड पर पटना में 3 5-स्टार होटल के निर्माण की स्वीकृति। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति जैसे कई एजेंडे शामिल हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे नवादा के बारे में। ये बिहार का एक जिला है जो प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। इस जिले में कई धार्मिक और प्राकृतिक स्थल हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। इनमें ककोलत जलप्रपात, सूर्य मंदिर, हंडिया, सेखो देवरा आश्रम, सीतामढ़ी जो नवादा में माँ सीता के आत्मसात की घटना से भी जुड़ा है, बावन कोठी तिरपन द्वार, बुधौली मठ, इंद्रासल गुफा जहाँ पौराणिक कथाओं के मुताबिक गौतम बुद्ध भी आए थे। यदि आप कभी नवादा जाते हैं तो इन पर्यटन स्थलों पर घूमने का आनंद ले सकते हैं। प्रदेश के गांव के सभी वार्ड में लगेगा सोलर स्ट्रीट लाइट। प्रदेश के हर गांव के सभी वार्ड में मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने इस महीने प्रदेश में 5,30,000 सोलर लाइट लगाने का निर्देश दिया है। सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के साथ ही इसकी रिमोट मॉनिटरिंग करने की भी तैयारी है। इसके लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम पटना, मुजफ्फरपुर, गया और नालंदा में लगाया गया है। इसकी मदद से यदि किसी भी वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब होता है तो 72 घंटे के अंदर इसकी मरम्मत की जाएगी। पंचायती राज मंत्री ने इस संबंध में बताया कि प्रदेश भर में 1,09,000 वार्डो में 11,75,000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जानी। 14 सितंबर से पहले अपडेट करवा ले अपना आधार कार्ड। आखिरी तारीख के बाद लगेंगे शुल्क। आज के समय में आधार कार्ड हमारे सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक बन चुका है। किसी भी तरह के सरकारी काम हो या गैर सरकारी काम, अपनी पहचान बतानी हो वहां आधार कार्ड की जरूरत पड़ती ही है। इसलिए जरूरी है कि आपका आधार कार्ड अपडेट रहे। कई लोगों के आधार कार्ड में नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ या फोटो आदि जैसे कई गलतियां हैं जिसे सुधरवाना जरूरी है, वरना आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा 10 साल पुराने आधार को भी अपडेट करवाने की सलाह लगातार लोगों को दी जा रही है। आधार को अपडेट करवाने की आखिरी तारीख 14 सितंबर है। आखिरी तारीख से पहले आप UIDAI के पोर्टल www.uidai.gov.in पर जाकर इसे फ्री सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। 14 सितंबर के बाद आपको आधार अपडेट करवाने के लिए चार्ज देना होगा। बिहार में भूमि सर्वेक्षण पर लगेगी रोक, भू व राजस्व मंत्री ने किया स्पष्ट। बिहार में भूमि सर्वेक्षण पर रोक लगाए जाने की बात जोरों शोरों से फैल रही है। अब इन्हीं खबरों के बीच
बिहार भाजपा अध्यक्ष और भूमि व राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में भूमि संबंधी विवादों के निपटाने के लिए जमीन सर्वे का काम हो रहा है, इससे लेकर किसी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में भूमि सर्वेक्षण पर रोक को लेकर जो बातें की जा रही हैं, ये खास लोगों द्वारा प्रायोजित है। बिहार का इकलौता वन्य प्राणी इको पार्क बनकर हुआ तैयार। बिहार का इकलौता वन्य प्राणी इको पार्क कैमूर के मां मुंडेश्वरी धाम के परिसर में बनकर तैयार हो चुका है। ये पार्क पूरे 14 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 7 एकड़ समतल भूभाग है, वहीं 7 एकड़ पहाड़ी इलाका है। इस वन्य प्राणी को पार्क का सीएम नीतीश कल यानी 12 सितंबर को उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर कई तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उद्घाटन के बाद लोगों के मनोरंजन के लिए इस पार्क को खोल दिया जाएगा। पार्क में कई वन्य जीवों को भी प्रदर्शित किया गया है। इसमें 80 फुट ऊंचे लोहे के सीढ़ीनुमा मीनार का निर्माण भी किया गया है। इस मीनार से पार्क के पूरे क्षेत्रफल को देखना आसान होगा। इस पार्क को लेकर डीएफओ ने बताया है कि कई इको पार्क बिहार में मौजूद हैं, लेकिन वन्य प्राणी इको पार्क बिहार का इकलौता है। इसमें जानवरों के कई स्टैचू बनाए गए हैं, जिससे बच्चे पर्यावरण के साथ ही वन्य प्राणियों के बारे में भी जान सकेंगे। बिहार के इन जिलों में दौड़ेंगी बुलेट ट्रेन। भारतीय रेलवे हमारी यात्रा के लिए सबसे सस्ता और सुविधाजनक माध्यम है। ट्रेन हमारे देश की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन अक्सर त्योहारी सीजन में बिहार आने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिलती है। अब इसी बीच प्रदेश के लोग ट्रेन से सुविधाजनक सफर पूरी कर सके, इसके लिए बिहार में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। दरअसल ये बुलेट ट्रेन वाराणसी से हावड़ा तक जाएगी। इस क्रम में ये ट्रेन बिहार के 5 जिलों से होते हुए गुजरेगी। वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रूट जारी कर दिया है, जिसके तहत पहले फेज में बिहार के बक्सर, पटना और गया से स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं दूसरे फेज में आरा और जहानाबाद में स्टेशन बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि बक्सर से हावड़ा की दूरी 630 किलोमीटर है। इस सफर को तय करने में लगभग 11 से 12 घंटे तक का समय लग जाता है, लेकिन बुलेट ट्रेन से ये दूरी महज 2 घंटे में ही पूरी की जा सकेगी। बिहार में 15 डीएसपी को मिला प्रमोशन। बिहार में कई बड़े सरकारी अधिकारियों को प्रमोशन दिया जा रहा है। अब इसी कड़ी में एक बार फिर से 14 पुलिस उपाध्यक्षों को यानी डीएसपी को वरीय पुलिस उपाधीक्षक में प्रोन्नति मिली है। मालूम हो कि अभी इस प्रमोशन को लेकर 9 सितंबर को गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बड़ी संख्या में पुलिस उपाधीक्षकों को वरीय पुलिस उपाधीक्षक में प्रमोशन दिया गया था। परिवाद दायर या परिवाद की स्थिति जानने के लिए इस नंबर पर करें कॉल। सीएम नीतीश कुमार ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू किया है। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत कुल परिवाद 16,30,400 वहीं निष्पादित परिवाद 15,93,876 हैं। आप भी परिवाद दायर करने के लिए और परिवाद की स्थिति जानने के लिए कॉल कर सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-6284 है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट lokshikayat.bihar.gov.in है। सिमुलतल्ला आवासीय प्रारंभिक परीक्षा का जारी हुआ डमी एडमिट कार्ड। सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई में कक्षा 6 सत्र 2025-26 के नामांकन के लिए प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, वे डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए secondary.biharboardonline.com पर जाना होगा। इस दौरान आपको एडमिट कार्ड में किसी तरह की त्रुटि होती है तो उसमें सुधार करवा सकते हैं। त्रुटि में सुधार करवाने की अंतिम तारीख 13 सितंबर है। इस आखिरी तारीख से पहले छात्रों को त्रुटि सुधार की सलाह दी जाती है। अब कामगारों को बेटी के जन्म पर मिलेंगे 50,000 रुपए। बिहार में भवन निर्माण से जुड़े कामगारों को बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल बेटियों के जन्म होने पर 50,000 रुपए उनके नाम पर जमा करवा दिए जाएंगे। निबंधित कामगारों को अभी तक बेटियों की शादी के समय ही सहायता राशि के तौर पर 50,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब ये राशि उनकी शादी के बदले जन्म के समय ही जमा करवाने का निर्णय लिया गया है, ताकि बेटी के वयस्क होने पर और बढ़ सके। जब बेटी 18 साल की होगी तब इस जमा राशि की रकम बढ़कर 3 से 4 गुना हो जाएगी। श्रम संसाधन विभाग के अनुसार भवन निर्माण सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सुझाव पर निबंधन कामगारों के हित में ये फैसला लिया गया है।
पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय की एडिशनल जनरल के लिए हुई नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति हुई है। इस नियुक्ति के तहत पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय समेत 5 अन्य अधिवक्ताओं की नियुक्ति हुई है। ये सभी इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों के लिए रहेंगे। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी की तरफ से की गई है, जिसमें गृह मंत्री भी शामिल थे। आपको बता दें कि एसडी संजय ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री ली है। पटना हाईकोर्ट से इन्होंने वकालत का पेशा शुरू किया था। तकनीकी सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग के लिए 18 अधिकारियों की हुई तैनाती। तकनीकी सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के सफल संचालन के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस प्रतिनियुक्तियों को लेकर आदेश जारी कर दिया है। तकनीकी सेवा आयोग में इनमें से 14 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं कर्मचारी चयन आयोग में 4 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हुई है। ये सभी अनुदेशक के विभिन्न पदों पर चयन को लेकर दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। इंस्टा और फेसबुक स्टोरी की तरह व्हाट्सएप स्टेटस को भी कर सकेंगे लाइक। व्हाट्सएप ने अपने स्टेटस फीचर में एक नया अपडेट जोड़ा है, जिससे अब यूजर्स स्टेटस को लाइक कर सकते हैं। पहले स्टेटस देखने का या रिप्लाई करने के अलावा अब एक दिल के आकार का आइकन स्टेटस के नीचे रिप्लाई बटन के बगल में दिखाई देगा। इस आइकन पर क्लिक करने से स्टेटस को लाइक किया जा सकता है और लाइक करते ही दिल का रंग हरा हो जाएगा। जिस यूजर का स्टेटस लाइक होगा उसे ग्रीन दिल का इमोजी दिखाई देगा। व्हाट्सएप का ये नया फीचर लोगों के एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बना सकता है। इस बार त्योहारों में नहीं बढ़ेंगी फ्लाइट टिकट की कीमतें। भारत में त्योहारों के दौरान फ्लाइट टिकट की कीमतें आमतौर पर बढ़ जाती हैं, लेकिन इस बार सरकार ने फ्लाइट टिकट की कीमतों को नियंत्रित करने के संकेत दिए हैं। एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने बताया है कि मंत्रालय सभी एयरलाइन कंपनियों की टिकट कीमतों पर निगरानी रखेगा और उन्हें सूचना दी गई है कि त्योहारों के दौरान टिकट की कीमतें आवश्यक अनावश्यक रूप से ना बढ़ाएं। हालांकि मंत्रालय एयरलाइनों को कीमतें तय करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों से अत्यधिक शुल्क ना लिए जाए। इस बार उम्मीद है कि त्योहारों के मौसम में टिकट की कीमतें पहले के मुकाबले कम हो सकती हैं। प्रदेश के सहकारी बैंकों में गोल्ड लोन स्कीम की होगी शुरुआत। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य के सहकारी बैंकों को गोल्ड लोन स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। अब गोल्ड लोन स्कीम की शुरुआत दिसंबर महीने में प्रदेश के सहकारी बैंकों में शुरू की जाएगी। इस संबंध में बिहार राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि RBI से गोल्ड लोन स्कीम की सहमति मिली है। सहकारी बैंकों में पहली बार गोल्ड लोन स्कीम से लोग लाभान्वित होंगे। अब पटना से झारखंड और यूपी की कम होगी दूरी। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से 5 एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले रोटरी का निर्माण पटना महानगर क्षेत्र के कन्हौली में किया जाएगा। इसके निर्माण से झारखंड और उत्तर प्रदेश की दूरी कम हो जाएगी और दोनों ही पड़ोसी राज्यों में जाना आसान हो जाएगा। बता दें कि इस रोटरी के 3 किलोमीटर के दायरे में कई महत्वपूर्ण स्थल आएंगे, जिसमें एयरपोर्ट, पटना सासाराम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, सारण के दिघवारा शेरपुर रिंग रोड, पटना बक्सर फोरलेन बेहट्टा सरमेरा एनएच और दानापुर बेहट्टा एलिवेटेड कॉरिडोर के अतिरिक्त अंतरराज्यीय बस टर्मिनल शामिल है। आने वाले 2 से 3 दिनों में बारिश को लेकर अलर्ट। बिहार में मॉनसून का असर धीमा पड़ने के बाद उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। हालांकि एक बार फिर से प्रदेश में आने वाले 2 से 3 दिनों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज भी प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी और मध्य भागों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। पटना के धनरुआ से शराब तस्करी का मामला आया सामने। प्रदेश में लगातार शराब तस्करों में कार्रवाई करने के बाद भी शराब माफिया अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। शराब तस्करी के लिए वे आए दिन कई तरह के नए हथकंडे अपना रहे हैं। अब इसी बीच बिहार के पटना धनरुआ में शराब तस्करी का मामला सामने आया है। इस दौरान पुलिस ने 210 लीटर शराब को जब्त किया है। ये शराब 150 पॉलिथीन में भरे गए थे। पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। हालांकि तस्कर इस दौरान भागने में सफल रहे। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कार की वाइपर है खराब तो कट सकता है चालान, जाने क्या है नियम। अक्सर लोग चालान न कटे इसलिए कार में सफर के दौरान सभी कागजात को साथ में रखते हैं, साथ ही सीट बेल्ट लगाकर रखते हैं। लेकिन कई ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है और कभी कभी इन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर हमारा चालान भी कट जाता है।
क्या आपको पता है कि आपकी कार में यदि वाइपर नहीं होगी तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर नहीं तो आपको इससे जुड़े ट्रैफिक नियम के बारे में पता होना जरूरी है। यदि किसी भी कार का वाइपर नहीं है या वाइपर खराब हो गया है तो ऐसी स्थिति में उन गाड़ियों पर चालान कट सकता है। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक ये चालान 100 रुपये तक कट सकता है। लालू यादव ने नीतीश को लेकर कह दी बड़ी बात। बीते दिन पटना एयरपोर्ट से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपनी रूटीन चेकअप के लिए मुंबई रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश नहीं आएंगे तो नहीं आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं तेजस्वी यादव अपने आभार सह जनसंवाद कार्यक्रम पर निकले हैं। इस यात्रा को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इस दौरान तेजस्वी पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और लोगों से मिलेंगे। आपको बता दें कि अभी हाल में ही नीतीश कुमार ने कहा था कि अब वे NDA के साथ ही रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। मोहम्मद शमी के इस पोस्ट पर इरफान पठान का रिएक्शन आया सामने। टीम इंडिया के गेंदबाज मोहम्मद शमी बीते कुछ दिनों से क्रिकेट के मैदान से दूरी बनाए दिख रहे हैं। अब इसी बीच मोहम्मद शमी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में वे बेज कलर के स्टाइलिश ब्लेजर और ब्लैक कलर की शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। उनके इस पोस्ट पर कई लाइक्स और कमेंट्स भी मिल रहे हैं। अब इसी बीच मोहम्मद शमी के इस नए लुक पर इरफान पठान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शमी के पोस्ट में लिखा है, ओ भाई भाई। इस पोस्ट को देखकर इरफान भी खुद को नहीं रोक पाए और ये कमेंट किया। अब इरफान का ये रिएक्शन भी काफ़ी वायरल हो रहा है। मोहम्मद शमी और बुमराह में आप किसे सबसे खतरनाक बॉलर मानते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। आज के दिन वर्ष 1906 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था। आज के दिन वर्ष 1961 में विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने दक्षिण पूर्वी लाहौर के निकट बुरकी शहर पर कब्जा किया था। आज के दिन वर्ष 1895 में विनोबा भावे का जन्म हुआ था। ये एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर वायरल हो रही है खबर। सोशल मीडिया पर एक स्टैचू ऑफ यूनिटी का फोटो वायरल हो रहा है। इस तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी में दरारें आनी शुरू हो गई हैं और ये कभी भी गिर सकती हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये तस्वीर 2018 की है, जब इसका निर्माण हो रहा था। PIB फैक्ट चेक ने इस खबर को फर्जी बताया है, साथ ही फर्जी खबरों से सतर्क रहने की सलाह दी है। हम प्रतिदिन आपसे पाँच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है गुरुग्राम। इसका सही उत्तर है हैदराबाद। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है उत्तर कोरिया। इसका सही उत्तर है फ्रांस। हाल ही में कहां अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका सही उत्तर है पंजाब। बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है बक्सर, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है दरभंगा, ऑप्शन डी है पूर्णिया। इसका सही उत्तर है मुंगेर। किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और दीवानी यानी लगान वसूली का अधिकार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी 1857 का विद्रोह, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बक्सर का युद्ध। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है नंद कुमार, अमित कुमार, मोहम्मद सरवर आलम, मोहम्मद साकिर हुसैन, रोशन कुमार, सगुफा आफ्ताब, गुनर शर्मा, बिरजू कुमार, मंजुला कुमार, समीम आलम, बैजू सौ, मोहम्मद साकिर, सिया लाल, कामत अनवर, करीम खान, सादुल्ला पालवी, अर्जुन राम। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। रात का सवाल है, क्या आपको भी लगता है कि आज की पीढ़ी के बच्चे मोबाइल के आदि हो चुके हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।